तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास है बजाज की पल्सर N150 जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है। दोस्तों आज मैं इस बाइक को चलाने वाला हूं, कम से कम मैं चलाऊंगा इसको 50-60 किलोमीटर के आसपास। बाकी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है, चलने में कैसी है, सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में। और ये व्यू देखो दोस्तों, वाटरफॉल देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत सा लग रहा है, पूरी हरियाली हरियाली है, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है और बाइक तो काफ़ी कड़क सी लग भी रही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये रही है मेरी चाबी भाई बजाज की, और अभी हम ऑन कर लेते हैं। पहले मैं इसकी प्राइस ही आपको बता देता हूँ, इसकी एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है 1,17,700 रुपये। मीटर कंसोल ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाला, बहुत ही खूबसूरत सा दोस्तों। फिलहाल अभी रहा नहीं जा रहा है, इसको ऑन कर लेता हूँ मैं। सो ऑन हो गई है और साइड स्टैंड हटा लिया, चलो वन गियर पर चला लेते हैं। गुड, सेकेंड एंड गुड। अरे व्यू देखो, देखो ये पहाड़ देखो यार, कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। और गाड़ी ये थर्ड गियर, अभी अच्छी जगह मिली तो मैं भगा के भी आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा भगा लेते हैं, पीछे पूरा खाली है। शू ये फोर्थ फाइव पे भाई, आगे थोड़ा सा ब्रेक मार के चेक कर लेंगे हम, यहाँ पे ब्रेक मार के चेक कर लेते हैं। गुड, ये मैंने मारी, गुड। हाँ बहुत ही स्मूथ तरीके से रुकी है। इसमें ब्रेकिंग की बात करें तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है, साथ में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। इस प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको ठीक ठाक ब्रेकिंग मिल जाएगी इसमें, ब्रेकिंग को लेकर कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अगर आप 50-60 स्पीड पर चलाते हो तो। अगर इससे ज़्यादा हाई स्पीड पर चलाओगे तब शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी आप देखा जाओ तो आपको 150cc में आपको डुअल चैनल ABS किसी भी बाइक में नहीं मिलता, 160cc मिलेगा, N160 में आपको मिलता है, बाकी अदर सेगमेंट में आपको पता ही होगा 150 में तो आपको नहीं मिलता। फिलहाल यही देखा जाए तो यही काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और भाई थोड़ा सा भगाते हैं, ये फोर्थ गियर पे फाइव पे, गुड। अगर आप फर्स्ट सेकंड गियर पे भगा रहे हो तो अच्छा खासा पिकअप आपको मिल जाता है, लेकिन फोर्थ फाइव पे आने के बाद थोड़ा सा ऐसा मुझे लो लग रहा है एक्चुअली। एक बात आपको नज़र आएगी जब ये गाड़ी चलाओगे तो आपका जो एक जो साउंड है वो आपको सुनाई देगा हेलमेट लगाने के बावजूद, तब आप सोचो बाकी के लोगों को कितना सुनाई देने वाला है। इसका साउंड काफ़ी प्यारा सा है, एकदम ऐसा लगता है कि आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, उस वैसी फील आपको आने वाली है। जबकि देखा जाए तो ये कंप्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है लेकिन एकदम स्पोर्टी वाली फील आती है। इसका लुक तो काफ़ी गजब का है ही। और हैंडल बार कंफर्ट की बात करें तो आपको हैंडल बार मिलने वाले हैं, मतलब ठीक ठाक कंफर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। आप सिटी राइड करो, हाईवे राइड करो, आपको चल जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग राइड करोगे तब शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है आपको, बाकी तो आप सिटी राइड के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। और काफ़ी अच्छी बात यह है इसका वेट काफ़ी कम है, इसका वेट काफ़ी कम किया गया है काफ़ी सारी जगह पर, मतलब इम्प्रूव करके। जो हमारी पहले वाली पल्सर P150 आती थी, देखा जाए तो वो सेम टू सेम ऐसी बाइक नहीं है, इसमें काफ़ी डिफरेंट है, उससे आप कंपेयर मत करो। इसमें मतलब काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं एंड इम्प्रूव किया गया है इसे। मेरे हिसाब से शायद P150 शायद आगे चल के बंद भी हो जाए, पता नहीं, उसका कुछ मेन अपडेट नहीं हो सकता मैं। अगर ऊबर खाबर रास्ते मिले तो कहीं पर सस्पेंशन भी हम टेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल तो ये ब्रेकर है यहाँ पर हम, हाँ मुझे इतना ज़्यादा झटके तो महसूस नहीं हुए। इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और रियर में आपको मिलने वाला है मोनोशॉक, जो कि मुझे अच्छा लगा पर्सनली। 150cc में आपको बहुत ही कम बाइक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। तो रियर का सस्पेंशन आपको मोनोशॉक मिल जाता है, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा आपको कम्फर्ट मिल जाएगा। और भागने में है यार काफ़ी, मतलब इतना आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पिकअप को लेकर, लेकिन ठीक ठाक आपको पिकअप दे देगी ये बाइक। और इसके इंजन की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, इसमें आपको 150cc का इंजन मिलने वाला है, जिसमें आपको पावर मिलने वाली है 14.5 PS की, एंड आपको टॉर्क मिल जाएगा इसमें 13.5 Nm का। इसमें 0.5 PS पावर इंक्रीज की गई है एंड टॉर्क 0.3 Nm। एंड पावर की बात करें आपकी जनरेट होने वाली 8500 मैक्सिमम, एंड टॉर्क आपका 6000 के आसपास जनरेट होने वाला है मैक्सिमम। तो इसमें परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है। वो हमारे आगे है वाइट कलर एंड 150 का वो दूसरे राइडर है, और मैं चला रहा हूँ ब्लैक कलर। बाकी फन टू राइड बाइक तो है, आप सिटी में चलाओगे मतलब ज़्यादा स्पीड आप एक्सपेक्ट मत करना, 50-60 तक ये बाइक काफ़ी अच्छी चलने वाली है जहाँ तक मैं चलाया। और मैं स्टार्ट करने से पहले भी इस बाइक को काफ़ी अच्छा चला चुका हूँ, तो बस मेरा ओपिनियन ही देना बाकी है। इस बाइक में आपको पिकअप ठीक ठाक मिल जाएगा मेरे हिसाब से, आप 50-60 के आसपास अगर चलाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जब आप 60 के ऊपर लेके जाते हो तो आपको बहुत खींचना पड़ता है ऐसा लगता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सीट के लोग, सीट की बात करें तो आपको इसमें सिंगल सीट मिल जाएगा। और कंफर्ट की बात के राइडर एंड प्लेयर राइडर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट मिल जाएगा भाई इस सेगमेंट में, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी सीट आपको दूसरी बाइक में मिलने वाली है।
आपको पिलियर राइडर कंफर्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। राइडर कंफर्ट की बात करें, इस बाइक पे आप बैठ के मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर के आसपास आप आराम से राइड कर सकते हो। 100 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो आपको पेन होने वाला है, मतलब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं 100 किलोमीटर तक आप चला सकते हो। 50-60 किलोमीटर तो रोज़ चलाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 100 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तब शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, और बाकी तो ठीक है। बाकी ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए बाइक बनी नहीं है एक्चुअली, करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो मेरे हिसाब से 304 किलोमीटर के आसपास, लेकिन वो भी आपको एडजस्ट करके चलना होगा। और एक बात बता दूँ, इसमें मुझे वाइब्रेशन तो अभी तक फील नहीं हुआ, मुझे लगता है मैंने अभी ज़्यादा हाई स्पीड पे इस बाइक को नहीं लेके गया इसलिए शायद फील नहीं हुआ। मैं 60-70 तक ले गया, मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हुआ, उसके ऊपर शायद वाइब्रेशन फील हो। इसमें आपको फ़ोन चार्ज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा दिया है, 150cc में आपको फ़ोन चार्ज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और इस बाइक का टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है, तो आप इसे सिटी में आराम से निकाल सकते हो। सिटी के लिए 150cc की मैं बोलूँ एक परफेक्ट गाड़ी है, आप साथ में इसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा भाई। और सबसे अच्छी बात है इस बाइक का लुक भाई, इस 150cc में मुझे नहीं लगता आपको ऐसा दूसरा लुक मिलने वाला है। 160cc की बात नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, 150cc की बात कर रहा हूँ। 150cc में आपको ऐसा लुक तो नहीं मिलने वाला है इस प्राइस के साथ में। लुक के साथ में आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। कंपनी क्लेम कर रही है 40-50 के आसपास, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 40 तक तो आराम से मिल ही जाएगी, क्योंकि इसका इंजन भी वैसे है। अगर जैसे कोई नया स्टूडेंट हो एंड वो बाइक लेना चाहे, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये बाइक वो ले सकता है, इसमें उसे अच्छी माइलेज मिल जाएगी। साथ में कॉलेज जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, यूथ के लिए तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों इस बाइक को मैंने चला लिया, चलाने में काफ़ी अच्छी लगी मुझे बाइक, आपको ठीक ठाक पिकअप मिल जाता है एंड इंजन भी इसका रिफाइंड हुआ है। कम्फर्ट तो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है, खासकर पिलियन राइडर को। बाकी ये बाइक बनी हुई है सिटी में चलाने के लिए, एंड हाईवे भी आप चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग राइड आप नहीं कर सकते हो तो ठीक ठाक आपको कंफर्ट मिल जाता है, माइलेज भी काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाले हैं। मैं ये बाइक उनको रिकमेंड करूंगा जिनकी स्पीड रहने वाली है 50-60 के आसपास, और उनको ज़्यादातर सिटी में चलाना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए रिकमेंड करूंगा। तो ये बाइक वो लोग ले सकते हैं, और देखा जाए तो जिस प्राइस पैकेज के हिसाब से ये लॉन्च हुई काफ़ी एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी बाइक है, खासकर इसका लुक दोस्तों। और तीन कलर मिल जाते हैं, खासकर तो मुझे व्हाइट वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी आप लोग कौन सा अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।